If a full wave rectifier circuit is operating from 50 hertz maze, the fundamental frequency in the ripple will be. ओके तो देखो आपको क्या दिया गया है. एक आपको यहाँ पर रुको थोड़ा प्रॉपर डायग्राम बना लेता हूँ. ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर राइट. इसके इनपुट पे हम लोगों ने क्या किया है, 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई कनेक्ट किया. तो उसका जो आउटपुट है उसने बोला है कि आउटपुट पे बोलो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा. चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग एक प्रॉपर तरीके के साथ. हाँ तो ये है आपका देखो इनपुट का एसी साइकिल, ये है आपका इनपुट राइट. एंड इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट पूरा ये पूरा का पूरा रेक्टिफाइड वेव मिलने वाला है आपको ऐसे देखो राइट. अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है, टाइम पीरियड राइट. क्योंकि यही साइकिल आपका रिपीट हो रहा है आगे जाके ये. एंड ये जो नया आउटपुट है आपका यहाँ पर, ये वाला जो आउटपुट है, आउटपुट के लिए देखो कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है ना, तो ये है आपका कंप्लीट साइकिल. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. तो ये टाइम पीरियड मान लो कितना है, टी डैश. अभी यहाँ पे देखो दोनों केस में टी डैश का वैल्यू क्या है, टी से छोटा है, कितना है, हाफ है. तो वी कैन राइट टी डैश इज इक्वल टू टी बाई टू. एंड एज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो एफ डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ आएगा. तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 100 हर्ट्स होगा राइट. तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्स. ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन.